जब तक तुझे हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड एक लाइक भी कर देना, क्योंकि 5K होने में ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो आज आ चुके हैं एक न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ। आज बताने जा रहा है इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक ट्रेंडिंग वीडियो कैसे रिक कर सकता है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा क्रिएटर लोग वीडियो बना के वायरल हो चुका है। सो गाइस आज बताने जा रहे हैं कैसे आप लोग अपने वीडियो पर लिरिक्स, लेफ्ट राइट एंड लाइट ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है एंड आप लोग को जो वीडियो को एडिट करने वाला उस वीडियो को ले लेना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ये वीडियो आ जाएगा एंड आप लोग को एकदम लास्ट में जाना है। जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसमें क्लिक कर लेना है। इसको जो वीडियो में जो ऑडियो था उसको ऊपर आ जाएगा। वीडियो में क्लिक करके जो लास्ट में जो वाटरमार्क था वीडियो का उसको रिमूव कर देना है एंड जो लास्ट में जो फालतू का जो वीडियो का पार्ट था उसको डिलीट कर देना है। जो लिरिक्स वाला जो पार्ट हम लिए थे वीडियो वाला, उसको क्या करना है, पूरा जूम करके वीडियो का अकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चल जाना है वीडियो में क्लिक करके, ब्लेंडिंग ऑप्शन है नीचे, देखिए ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, तो ब्लेंडिंग में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चल जाना थोड़ा बगल में, तो वहाँ पर जगह स्किन वाला ऑप्शन है, उसको आप कम भी कर सकते, ज़्यादा भी कर सकते, मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा ही रखिए। उसके बाद डन कर दीजिएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैंने भूल ही गया, वीडियो का जो साउंड है उसको ऑफ कर देना है, ठीक है, तो और वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जो म्यूजिक है, म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो लिरिक्स है वो लिरिक्स कितना अच्छे से तरीके से आ रहा है। एंड इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को वीडियो में जहाँ पर भी बीट है वहाँ पर बीट में वीडियो को स्पीड करना है, ठीक है, वीडियो को स्पीड कर लेना है। चलिए मैं स्पीड कर ले रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में जहाँ पर जो बीट है, ठीक है, वहाँ पर जगह स्पीड कर लेना है, ठीक है। इसे पूरा वीडियो में कर लेना है, क्योंकि वीडियो और अच्छा लगे, प्रोफेशनल तरीके से लगे, उतना अच्छा कर लेना है। करने के बाद आप लोग को इफेक्ट में क्लिक करना है। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद जिटल बोल के एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कर लेना है, जिटल वन, ठीक है, उसको क्लिक करना है एंड पूरा वीडियो में जिटल वन ही रखने देना है, ठीक है। आपको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है, पूरा वीडियो में जिटल वन ही रखना है। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, राइट में क्लिक कर लेना है। लिए तब तक के लिए मैं पूरा वीडियो में कर ले रहा हूँ, ऐसे भी इफेक्ट पूरा वीडियो में दे रहा हूँ। गाइस जब तक मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाला जो आइकन है उसको दबा दीजिएगा। मेरा इफेक्ट वाला जो काम है वो वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो प्लस वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्लिंकिंग इफेक्ट देना है। तो ब्लिंकिंग इफेक्ट आपको कहाँ से भी डाउनलोड करने की कोई दरकार नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। व्हाइट वाला जो ब्लिंकिंग इफेक्ट है वो वाला दे देना है, ठीक है। तो देखिए मेरा वीडियो पूरा पूरी रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चल जाना है फिल्टर वाला ऑप्शन में, ठीक है। वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी में सेव करने का, तो फिल्टर वाला ऑप्शन में चल जाना है। एडजस्ट में क्लिक करना है, ब्राइटनेस को थोड़ा माइनस रखेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस रखेंगे, एक्सपोजर को थोड़ा माइनस रखेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा प्लस कर देंगे एंड वाइब्रेंस को थोड़ा प्लस रखेंगे। बस मेरा वीडियो पूरा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एंड अप्लाई टू ऑल में क्लिक कर देना है, ठीक है। ऊपर में सिलेक्ट करके आपको 9:16 का जो फ्रेम है उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड राइट वाला जो एरो वाला आइकन है उसमें क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। पहले ऑटो रहेगा उसको आपको मैनुअल कर लेना है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल वाला जो आइकन है उसको बजा देना। मिलता है एक नया धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक ही बाय।